नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल शीट से सभी कॉन्टेक्ट्स को मोबाइल में कैसे सेव करते हैं। अगर दोस्तों आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आप अपने एक्सेल शीट में हजारों पार्टियों के कॉन्टेक्ट डिटेल्स को सेव करके रखते होंगे, जैसे कि नाम और मोबाइल नंबर। जब भी किसी पार्टी से आपको बात करना हो, उसके लिए आपको अपने एक्सेल शीट को ओपन करना पड़ता है, तभी आप उस पार्टी से बात कर पाते हैं। और दोस्तों अगर आप उन सभी कॉन्टेक्ट्स को वन बाय वन अपने मोबाइल में सेव करना चाहें, तो ये बहुत मुश्किल भी है और इसमें काफी टाइम भी वेस्ट होता है। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी मदद से आप अपने एक्सेल के सभी कॉन्टेक्ट्स को अपने मोबाइल में सेव कर पाएंगे। अब चाहे वो नंबर 1000 हो, 5000 हो या फिर 10000 हो, 2 मिनट के अंदर आप उन सभी नंबर्स को अपने मोबाइल में सेव कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, आप इसको लाइक करना, इसको शेयर करना। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे नए नए वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में जीमेल को लॉगिन कर लेना है। जीमेल लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको ये भी देख लेना है कि अगर आप अभी भी जीमेल का ओल्ड वर्जन इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उसे न्यू वर्जन में अपडेट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे राइट टॉप में देखिए, प्रोफाइल पिक्चर के बगल में एक ऑप्शन मिलेगा गूगल एप्स, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और ये एक नया टैब ओपन हो जाएगा। इस नए टैब के अंदर आपके जीमेल आईडी में जितने भी कॉन्टेक्ट सेव होंगे, उसका पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके जीमेल आईडी में कोई भी कॉन्टेक्ट सेव नहीं है, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट टॉप में ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कॉन्टेक्ट, इस पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ क्रिएट अ कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है और ये छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट नेम में आपको कोई भी नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। मैं यहाँ पे टेक्निकल ग्राम नाम टाइप कर देता हूँ। आप यहाँ सरनेम, कंपनी, जॉब टाइटल और ईमेल आईडी भी फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ फोन नंबर सेक्शन में आना है और इसके अंदर आपको यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप कर देना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर ही हो, आपको रैंडम 1 2 3 4 कोई भी नंबर टाइप करना है। फिर आपको यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है और ये कॉन्टेक्ट आपके जीमेल आईडी में सेव हो जाएगा। कॉन्टेक्ट सेव होने के बाद यहाँ पे देखिए आपको 3 डॉट का निशान दिखेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मान लीजिए अगर आपने गलती से इसको बंद कर दिया, फिर आपको यहाँ से इस कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर यहाँ लेफ्ट साइड में नीचे देखिए आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपके जीमेल आईडी में पहले से कॉन्टेक्ट सेव है, फिर आपको यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्ट में जाकर ये कॉन्टेक्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो इस ईमेल आईडी के अंदर देखिए एक कॉन्टेक्ट सेव है और यहाँ एक्सपोर्ट एज में गूगल CSV फॉर्मेट है, इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट रहने देना है। इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ सिंपल एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगा, जो कि CSV फॉर्मेट में होगा। अब ये डाउनलोड हो जाने के बाद से इस पे डबल क्लिक करना है और इस एक्सेल शीट को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ये इतना लंबा चौड़ा फॉर्मेट देख करके घबराना नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 3 कॉलम के अंदर हमारा काम है। यहाँ पे देखिए पहला है नेम, इसको आप यहाँ से क्लिक करके एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरा है गिवन नेम, गिवन नेम के अंदर आपको उन सभी कॉन्टेक्ट का नाम डालना है। उसके बाद से आपको यहाँ इधर आना है और यहाँ पे इस सेक्शन में फोन के अंदर आपको वो सारा अपना फोन नंबर डालना है। तो दोस्तों मैं पहले से एक्सेल शीट के अंदर बहुत सारा कॉन्टेक्ट यहाँ पे सेव करके रखा हूँ, हालांकि उसमें कोई भी रियल नंबर नहीं है, सब एक रैंडम मैंने ऐसे ही टाइप कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 100 है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको नेम को यहाँ से कॉपी करना है, आपके एक्सेल शीट में जितना भी है, 100, 500, 1000, 5000 जितना भी है, अपने उस नेम को कॉपी करना है। उसके बाद से आपको इस फॉर्मेट में आ जाना है। यहाँ आने के बाद देखिए ये है गिवन नेम, इसमें आपको आके कंट्रोल V करना है और ये सारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारा यहाँ पे नाम पेस्ट करने के बाद अब आपको इस साइड आना है और इस साइड देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई कॉन्टेक्ट, इसको सिलेक्ट करना है और पहले आपको इसको एडजस्ट कर लेना है यहाँ से।
उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे आप माउस ले जाएंगे प्लस का साइन बनेगा, डबल क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक सारा यहाँ पे ले लेगा। ये करने के बाद यहाँ पे फोन का ऑप्शन है, इसको भी आपको यहाँ पे पहले सही से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद से वापस यहाँ पे आपको अपने एक्सेल शीट में आना है और यहाँ से अपने सारे फोन नंबर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि नाम तो आपने पहले यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है। अब उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे सभी फोन नंबर को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए नेम हो गया और इस साइड यहाँ पे फोन नंबर हो गया। ये यहाँ पे करने के बाद अब आपको सिंपल अपने कीबोर्ड पे F12 बटन प्रेस करना है और यहाँ पे सेव का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, या फिर आप यहाँ फाइल पे क्लिक करिए, सेव एज पे क्लिक करिए, ब्राउज पे क्लिक करिए। उसके बाद पहले आपको लोकेशन सिलेक्ट कर लेना है कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं और आपको इसका कोई भी नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट ही नाम रहने दे रहा हूँ और यहाँ सेव एज टाइप में CSV, डेलिमिटेड इसी को ही आपको रहने देना है। सिंपल आपको यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है और ये एक्सेल शीट आपके यहाँ पे देखिए मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था यहाँ पे आके सेव हो गया। ये करने के बाद वापस आपको अपना जीमेल ओपन करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करना है। ये छोटा सा पेज ओपन होगा, यहाँ पे देखिए बटन मिलेगा सिलेक्ट फाइल का, आपको इस पे क्लिक करना है। अब ये आपके कंप्यूटर में लेके जाएगा, वहां से आपको लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जहां पे आपने सेव किया था। तो मैंने सेव किया था डेस्कटॉप पे, यहां से देखिए कॉन्टेक्ट के नाम से था, ये मिल गया यहाँ पे CSV फाइल, इसको सिलेक्ट करना है, ओपन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। अभी कुछ सेकेंड के अंदर वो सारा कॉन्टेक्ट यहाँ Gmail ID में आप देख सकते हैं पूरा 100 था और यहाँ पे Gmail ID के अंदर सारा आकर सेव हो गया। ये करने के बाद से अब आपको दोस्तों अपने मोबाइल में आ जाना है और यहाँ मोबाइल में सबसे पहले आपको अपने नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करना है और यहाँ नोटिफिकेशन पैनल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिंक के नाम से, ये आपको हर मोबाइल में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि ये सिंक का ऑप्शन यहाँ पे ऑन होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में ये सिंक का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है फिर आपको सेटिंग्स पेज को ओपन करना है और सेटिंग्स पेज पे स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट्स एंड सिंक, इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो सिंक डेटा, ये यहाँ से देख लेना है, ये यहाँ से ऑन होना चाहिए। ये ऑन करने के बाद से सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो Gmail ID आपने अपने कंप्यूटर में लॉगिन किया था, जिस Gmail ID में आपने सारे कॉन्टेक्ट को इंपोर्ट किया था, वही सेम Gmail ID आपके मोबाइल में भी लॉगिन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में आपने दूसरे Gmail ID से किया था सारा काम और मोबाइल में कोई दूसरा Gmail ID है फिर यहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्ट इंपोर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट को ओपन करना है। अब दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं मैं वहां से 100 कॉन्टेक्ट्स को इंपोर्ट किया था जीमेल में और यहां पे देखिए मेरे मोबाइल के कॉन्टेक्ट में वो सारा कॉन्टेक्ट आपको यहां पे मिल जाएगा टोटल 100। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।